Hello, health class friend. Welcome back in our online class. Dear student, I hope you all are well at your home and you all are doing your work and study properly and regularly. Dear student, today we will discuss here our chapter number 12, subject in GK and class 8th, and topic is movement in India. Movement means andolan ho gaya ya kranti se कहा जाता है मूवमेंट को. तो कौन कौन सी क्रांति मूवमेंट इन इंडिया भारत में जो जो मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पर है, उनका हम डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ वी विल डिस्कस चिपको मूवमेंट, सेकंड वन वी विल डिस्कस क्विक इंडिया मूवमेंट, एंड नंबर 3 वाइड रेवोल्यूशन, एंड नंबर 4 स्वदेशी मूवमेंट, एंड नंबर 5 ब्लू रेगुलेशन, एंड नंबर 6 ग्रीन रेगुलेशन, एंड नंबर 7 एंड लास्ट येलो रेगुलेशन. ओके डियर फ्रेंड, तो व्हाट इज दी, ओके वी विल डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ आइडेंटिफाई द मूवमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड एंड राइट द करेक्ट नेम्स इन द ब्लैंक्स. चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प. डियर फ्रेंड हु हैव अ बुक, हु कैन सी in page number 19 in your book and open please, and who have no book, I will he can see my left hand side on board. Okay, so let's discuss here. The first, it is a non-violent social and ecological movement by Indian villagers, particularly women in 1970s, in aimed the protecting trees and forest from logging by the government agencies. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ये चिपको मूवमेंट. तो चिपको मूवमेंट जिसकी बात करें तो चिपको आंदोलन के नाम से ये प्रसिद्ध है. इट इज अ नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट. ये कैसा था, सोशल यानी सामाजिक, क्या था ये आंदोलन था. आंदोलन यानी किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, यानी किसी के विरुद्ध होना, यानी जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना, दैट्स कॉल्ड अ मूवमेंट, यानी आंदोलन कहा जाता है. इट इज अ नॉन वायलेंट सोशल, ये कहता है नॉन वायलेंस यानी किसी भी अहिंसा नहीं करनी थी. नॉन वायलेंट यानी वायलेंस करना यानी अहिंसा करना होता है. तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है बिना हिंसा करे हुए, आपने यानी मारपीट, बिना मारपीट के आपको क्या करना है, आंदोलन करना है, यानी अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है अपने काम के द्वारा. तो ये कहता है नॉन वायलेंट एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट था बाय इंडियन विलेजर्स, जो भारत के गांव से था. अब कहां पर हुआ था, ठीक है, वो भी हम देखेंगे बाद में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. विलेजर्स पर्टिकुलरली वुमन इन द 1970 में स्पेशली इस मूवमेंट में महिलाओं ने भाग लिया था. गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने भाग लिया था. इट एम्ड द प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट फॉर लॉगिंग बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है. और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, प्रोटेक्टिंग था, बचाना था ट्री, पेड़ों को बचाना था, एंड फॉरेस्ट फ्रॉम लॉगिंग, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था. किसके खिलाफ, गवर्नमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट के ठेकेदार लोग थे जो पेड़ को काटने आए थे उनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने क्या किया था, ये आंदोलन किया था. तो जिसको नाम दिया गया था चिपको मूवमेंट, ठीक है. अब कहां पर हुआ था, तो पहली मैं बात बता दूं, चिपको मूवमेंट जो बेटा हुआ था वो हमारे उत्तराखंड में हुआ था. कहां पर, चमोली में, जो चमोली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी. कब, 1974 में. यहां तो 1970 कहा गया आपकी बुक में, 74 में हुआ था ये, ठीक है. और जिसको स्टार्ट किया था गांव की महिलाओं ने, जिनमें थी गौरा देवी, अमृता देवी ने एक चलाया था. गांव की जो महिलाएं थी, गौरा देवी, अमृता देवी, इन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया था बेटा, ठीक है. तो कितना पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था. अब इस आंदोलन में हुआ क्या है, ठीक है. तो इस आंदोलन क्या, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ही इसको नाम क्यों दिया, चिपको यानी किसी चीज पे पेस्ट हो जाना, चिपक जाना, ठीक है. तो इसको चिपको मूवमेंट इसलिए कहा गया था कि जब गवर्नमेंट की एजेंसी हमारे उत्तराखंड में आकर जो इन महिलाओं का जो गांव था वहां पर जो पेड़ थे उनको काटने के लिए ठेकेदार आने लगे, ठीक. तो फिर जो यहाँ की जो महिलाएं थी, गांव की महिलाएं थी, अमृता देवी हो गया, गौरा देवी हो गए, हमारे उत्तराखंड चमोली जिले के जो महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया, पूरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया
और उस प्लेस पे लेके गए जहां पर क्या है पेड़ों को काटा जाना था, और वहां पर जाके पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से क्या हो गए वो चिपक गए। अब पेड़ों से चिपक गए इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया, चिपको कहा गया। आंदोलन था विरुद्ध था इसलिए इसको मूवमेंट यानी चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट क्या था, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से महिलाएं चिपक गई थी। तो उनका कहना था कि पहले हमें काटो फिर इन पेड़ों को काटने दिया जाएगा, इसलिए क्या है ये आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा, ठीक है, चमोली जिले की गोरा देवी एंड अमृता देवी के द्वारा चलाया गया था 1974 में। तो ये था चिपको मूवमेंट। ओके बेटा आपको आई होप आप समझ गए होंगे। नंबर सेकंड जो है लॉन्च इन 1942 इट रिस्पॉन्स ऑफ महात्मा गांधी कॉल्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। दिस मैस मूवमेंट डिमांडेड अ कंप्लीट विथड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब सेकंड जो हम मूवमेंट की बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट यानी छोड़ो, इंडिया यानी भारत, मूवमेंट यानी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो लॉन्च इन 1942 जो कब शुरू किया गया था 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या पुकार थी, इंडिपेंडेंस इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। वी ऑल नो हम 1947 से पहले क्या थे, ब्रिटिश रूल के गुलाम थे, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल थे हम गुलाम थे। तो 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आह्वान किया जाता है पूरे देश से कि आओ भारत को क्या करें, ब्रिटिश गुलामी से मुक्त करें, पूर्ण तरीके से ब्रिटिश गुलामी को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये इस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत से अंग्रेजों को निकाल भगाना था, ठीक है। इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल दिस मैस मूवमेंट डिमांडेड अ कंप्लीट विथड्रॉल फ्रॉम ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, जिसका उद्देश्य था कि भारत से सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाए, खदेड़ भगाकर उनके देश वापस कर दिया जाए और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। इसलिए इस मूवमेंट का नाम था क्विट यानी छोड़ो, इंडिया यानी भारत, मूवमेंट यानी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए इसका नाम था। और इसकी शुरुआत करी गई थी 1942 में और किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया भारत से अंग्रेजों को साम्राज्य, जो अंग्रेजों का साम्राज्य था उसको खत्म करना था, ठीक है। और ये इसमें जो एक स्लोगन दिया गया था, एक मेन स्लोगन दिया गया था इस मूवमेंट में, वो दिया था भारत छोड़ो, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो स्लोगन दिया था ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये इसने दिया था, ये यूसुफ मेहर अली ने ये स्लोगन दिया था। नाउ लेट्स कम टू नंबर थ्री, ठीक है, नंबर थ्री है व्हाइट रेवोल्यूशन। अब क्रांति है, ये रेवोल्यूशन यानी क्रांति, बदलाव हम जिसको कहते हैं ना, बदलाव, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इट आल्सो एम्ड एट द हेल्पिंग, ठीक है, डायरी फार्म्स एंड रिड्यूसिंग मैलप्रैक्टिसेस ऑफ द मिल्क ट्रेड्स एंड merchants. The father of the revolution is Dr. Verghese Kurien. ठीक है, वर्गीज कुरियन के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, वर्गीज कुरियन के द्वारा इस movement, इस जो ये revolution है इसको शुरू किया गया था। तो क्या है ये white आपको पता है ना, सफेद, revolution क्रांति, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसका ही एक और नाम है दुग्ध क्रांति, ठीक है, मिल्क जिसको हम कहते हैं मिल्क रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति भी इस रेवोल्यूशन को कहा जाता है, किसको, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है इसको मिल्क क्रांति, दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है। अब क्या विशेषता थी इसकी वो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। द ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड, ये जो लॉन्च भी किया गया था, क्यों किया गया था, टू मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क, भारत को दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क के प्रोड्यूसर के रूप में, मिल्क उत्पाद और मिल्क से बने उत्पादों के निर्माण में भारत को नंबर वन बनाने के लिए इस रेगुलेशन को चलाया गया था, जिसको हम श्वेत क्रांति के या दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसलिए, श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था, दूध की आपूर्ति और दूध से बने हुए जितने प्रोडक्ट है उनमें इंडिया को नंबर वन बनाना था, ठीक है। जिसका जनक यानी जिसने स्टार्ट किया था वो थे इसके
वर्गीस कुरियन के द्वारा इस रेगुलेशन के स्टार्ट किया गया था। कब? 1970 से 1996, 1970 से लेके 1996 तक, 1972 1996, यानी 1970 से 1996 तक ये इसको चलाया गया था, ठीक है? जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में नंबर वन बनाना था, ठीक है? इट इज आल्सो एम एट हेल्पिंग डायरी फार्म्स। इसका उद्देश्य था कि जो डायरी फार्म्स हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है? और मिल्क ट्रेड्स, जो मिल्क से बनी चीजें उनको खरीदने, व्यापारियों के लिए और बढ़ाना, उनके व्यापार का और बढ़ाना, ठीक है? और ठीक है, वर्गीस कुरियन के द्वारा इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा देना था। नंबर फोर जो यहाँ पर है वह है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेश आपको पता है ना, स्वदेश देश यानी मेरा, स्व मतलब अपना, यानी अपना देश, ठीक है? रेवोल्यूशन, अपना देश रेवोल्यूशन क्या था? स्वदेशी आंदोलन क्या था, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू कॉल ऑफ लाल बाल पाल इन 1905, कब? 1905 में, कब? 1905, 1905 में लाल बाल पाल, ठीक है? लाला लाजपत राय, बी फॉर बाल गंगाधर तिलक, पी फॉर पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, तो ये तीन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। रिस्पॉन्स ऑफ कॉल, इनके पुकारने पर, इन तीनों के पुकारने पर 1905 में द मूवमेंट डिमांडेड फ्रीडम, ठीक है? कौन सा था, ठीक है? स्वदेशी मूवमेंट। तो क्या है, ठीक है, 1905 में मूवमेंट डिमांड की गई थी फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, कि भारत से ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए ये आंदोलन भी चलाया गया था। किसके द्वारा? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक पाल, बिपिन चंद पाल के द्वारा, ठीक है? ये मूवमेंट चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट क्यों था ये, ठीक है? इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश हमारी चीजों को खरीदते थे और वहां ब्रिटेन में ले जाके उसको मशीनों से मैन्युफैक्चर करके उसी को दुगने प्राइस पर हम पर को क्या करते थे, बेचते थे। यानी हमसे तो सस्ता खरीदा, अपने यहां ले जाके मशीनों से बनवाया और सस्ता यहां दुगने दाम पर बेचते थे, जिससे हमारे यहाँ के जो क्या थे, फार्मर्स हो गए या कंपनीज थी या जो फैक्ट्रीज थी वो सब खत्म होना शुरू हो गए थे, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ के हाथ से दुगने में टाइम लगता था और कॉस्टली होने ही था उसका, क्योंकि टाइम लग रहा था और मशीनों से जल्दी बन के आता था, पर हमसे लो प्राइस पर वो हमसे रॉ मटेरियल खरीदते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारी जो इनकम थी वो डाउन होती जा रही थी और फिर हमें खरीदना, उन चीजों को खरीद भी कहां से रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से रहे थे, जिसके लिए क्या हो रहा था, हमें पे करना हो रहा था। अब इनकम हमारी लो है, पे हम ज्यादा कर रहे हैं तो हमारी कंट्री की हालत खराब होनी थी, हमारे जो उद्योग थे वो सब तबाह होने लगे थे, खत्म होना शुरू हो गया था, तो इसलिए इसको बनाया गया था, ठीक है? और इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चीजें बन के आ रही है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चीज बना के दे रही है उनको छोड़ना है, अपने देश के उद्योग को बढ़ावा देना है, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना है। आपको देखा होगा अभी भी चल रहा है लोकल फॉर वोकल्स, आपको अभी जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्या कहा, कि लोकल फॉर वोकल, यानी स्वदेशी, अपने देश की बनी चीजों का इस्तेमाल करो, ठीक है? जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है? जिससे हमारा जो पैसा है वो हमारे देश की कंपनीज के पास जाएगा। अब हमारा पैसा हमारे ही कंपनीज पर लगने वाला है, तो यानी उनका मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो उनको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर अगर बढ़ता है तो हमारा जो अनएम्प्लॉयड परसेंट है वो डाउन जाता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, प्रोडक्ट को बनाना है, खपत पूरी करनी है, डिमांड है ना प्रोडक्ट की। अगर हम अपनी चीजों को खरीदें तो डिमांड बढ़ेगी, आप मैं सब हम डिमांड करेंगे, कंपनी हमारे लिए प्रोवाइड करवाएगी। आप प्रोवाइड करवाने के लिए उसको क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीन चाहिए, तो किसका डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री का होगा ना, हमारे बंदों को रोजगार मिले, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अनएम्प्लॉयड फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको क्या करेगा, रोजगार मिलेगा, वो एम्प्लॉय होंगे, ठीक है? उनको जॉब मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, हमारा अनएम्प्लॉयड परसेंट घटेगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जबकि अगर हम बाहर की कंपनी से क्या करते हैं, बाय करते हैं,
तो क्या होगा, वो पैसा बाहर की कंपनीज को जाता, मैन्युफैक्चर कहां का लगेगा, आउट ऑफ कंट्री का लगेगा, तो जीडीपी तो उनकी बढ़नी है, अब वहां के लोगों को जॉब मिलना है, तो हमारा क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए कहा गया लोकल फॉर वोकल, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट चला था इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश से जो हम खरीद रहे हैं उसको छोड़ो और क्या करो, अपने देश का चीजों का इस्तेमाल करो। इसीलिए उस समय जिन्होंने लोगों के पास विदेशी चीजें थे सबने जलाई, उसका दहन किया और खादी पहनना शुरू किया, अपने देश से बनी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और जिसका शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1906 में, यानी किस आंदोलन से पहले, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले यह आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश कंपनी से आई चीजों को छोड़ना, अपने देश से बनी चीजों का इस्तेमाल करना, ठीक है। बिपिन लाल बालपाल के नाम से और महात्मा गांधी के इसमें सहयोग है, महात्मा गांधी ने भी स्टार्ट किया था, तो 7 अगस्त 1906, ठीक है, यहाँ पे 5 में दिया हुआ है, इसमें 5 में लाल बालपाल ने किया था और 1906 में महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट करा था। नंबर 5, द ऑपरेशन एम्स ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द फिशरमैन एंड द फिश farmed and provides food security of through proved utilization of water resources. देखो, अब नंबर जो हमारा है 5, वो है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू यानी नील, नील क्रांति के नाम से ये रेवोल्यूशन को जाना जाता है। अब नील क्रांति एक्चुअल में था किसके लिए, नीली क्रांति का जो उद्देश्य था, ठीक है, जिसकी शुरुआत करी गई थी हरिलाल चौधरी ने करी थी इंडिया में, इंडिया में इसके जनक थे हरिलाल चौधरी, ठीक है, हरिलाल चौधरी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और जिसका उद्देश्य था, ठीक है, एक हरिदास चौधरी और दूसरे अरुण कृष्णन, ठीक है, अरुण कृष्णन और हरिलाल चौधरी जी ने ये स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य था देश में जो हमारे फिशरमैन मछुआरे हैं या फिश से रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना था, ठीक है, मछुआरों की जो आमदनी थी उसको बढ़ाने के लिए, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए, कि इंडिया के पास एक रिसोर्सेज बने फिश से रिलेटेड जितने भी, हम टोटली डिपेंड फार्मिंग पे ना रहे, हम कुछ और उद्योगों पर भी ध्यान जाए, तो फिश से रिलेटेड जितने भी है, समुद्र से रिलेटेड, ओशियन से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, प्रोडक्ट थे, चाहे वो हमारे यहाँ शीप हो गया, शंख हो गया, या ऑयल्स हो गए, या फिश को पकड़ने से लेकर कोई भी व्यापार हो, इनको बढ़ाने के लिए जो रेगुलेशन स्टार्ट किया गया था वो था ब्लू रेगुलेशन, नीली क्रांति के नाम से ये जाना जाता है, जिसकी स्टार्ट किया था हरिलाल चौधरी ने और अरुण कृष्ण ने इसकी स्टार्ट करी थी इंडिया में, ओके बेटा। तो जिसका क्या था उद्देश्य, दिस ऑपरेशन एम्ड एट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था, ठीक है। फिर फार्म एंड प्रोवाइड फूड्स और सिक्योरिटी, और क्या है, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य उत्पादों को पूर्ण सिक्योरिटी करना है, अच्छे से वो करना, डिलीवर करना सब लोगों तक, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नंबर 6, दिस रेगुलेशन इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सील्स एंड इंप्रूव्ड टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ कंसिडर्ड बाई इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ फूड क्रॉप्स सो एज अ प्रोवाइड फूड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। नंबर 6, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति बहुत फेमस है, बहुत हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। तो क्या थी हरित क्रांति, हरित क्रांति 1966 से 67 तक, ये 2 ईयर में चला था ये हरित क्रांति, ठीक है, जिसको भारत में लॉन्च किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन ने, ठीक है, भारत में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है, जिसका एम था, इसका एम क्या, दिस रेगुलेशन इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सील्स, जिसका उद्देश्य था कि लोग जो हमारे ग्रामीण परिवेश से किसान थे, हमारे जो क्या थे, लोग तबके के किसान थे, हमारे जो किसान थे उनको अच्छी क्वालिटी के बीजों को बारे में समझाना, उनको अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराना, ताकि क्या हो, हमारी अच्छी फसल हो, तो उनको अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों की बारे में जानकारी देना, उनको नॉलेज देना, कृषि फार्मिंग का उनको नॉलेज दिया गया, और क्या किया गया, इम्प्रूव द टेक्निक, उनको तरीके सुझाए गए कि कैसे आप अपनी कृषि को अच्छी तरीके से, अपनी फार्मिंग को अच्छा कर सकते हैं,
यानी कौन सी मशीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका क्या हो जाए, टाइम बचे और टाइमली आप क्या करें अपनी फार्मिंग को कर सके, या आप कौन से सिस्टम को यूज करें अपनी सिंचाइयों के लिए, पानी की जरूरत पड़ती है सिंचाई को कौन से तरीके आप अपनाएं, किस तरीके से या कब आप अपने सीड्स को बोएंगे, अच्छी प्रकार की फसल कौन सी होगी, इन सारी चीजों को इस मूवमेंट में जोड़ा गया, हमारे किसानों को सिखाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ फूड। भारत में जो क्या थे प्रोडक्ट आते थे यानी कृषि से रिलेटेड उत्पाद थे उनको बढ़ावा देना था, यानी हमें क्या आत्मनिर्भर बनाना था, किसके मामले में, खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न के मामले में भारत को क्या बनाना, ठीक, समृद्ध बनाना था, क्रॉप्स एज अ प्रोवाइड फूड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और भारत में सबके लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जो सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है उसको सबको खाना मिल सके, यानी किसी के लिए खाने की कमी ना रहे पूरे देश में, ठीक है, इसलिए इस क्रांति को किया गया था जिसमें नए तरीकों को अपनाया गया था, नई मशीनों के बारे में समझाया गया था, अच्छी किस्म की बीजों के बारे में बताया गया था और कृषि के नए तरीकों को बताया गया था, इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, हरित क्रांति, क्योंकि फसल हरी होती है इसलिए उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1966 से 1967 तक रही और एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये किया गया। एंड द नंबर लास्ट 7 अ रेवोल्यूशन टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द कैनोला प्रोडक्शन इन इंडियन थ्रू द डेवलपमेंट एंड वाइड स्केल यूज, ठीक है, वाइड स्केल यूज ऑफ न्यू वेराइटीज एंड कैनोला सीड्स, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, जिसका उद्देश्य था, पहले नाम है येलो, येलो यानी पीली, रेवोल्यूशन यानी क्रांति, पीली क्रांति। अब पीली क्रांति क्या थी, पीली क्रांति थी बेटा जितनी भी हमारे दालें हैं, तिलहन है, तिलहन यानी जिनसे हम तेल निकालते हैं, उसमें तिलहन से लेके जितने भी हमारे प्रोडक्ट थे उनको बढ़ाने के लिए, चाहे वो सोयाबीन हो या तिल हो या जो सूरजमुखी के सीड्स हैं जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है, तिलहन जो उत्पाद है, जो हमारे तिल है, तिलहन जो उत्पाद है, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए येलो रेवोल्यूशन को चलाया गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में तेल जो खाद्य खनिज खाने, एक तो होता है पेट्रोल डीजल, वो नहीं, जो हमारी रसोई में यूज होने वाला तेल है, उन तेलों को बढ़ाने के लिए तिलहन क्रांति, जिसको हम कहा जाता है तिलहन क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसके जनक कौन थे, भूतपूर्व जो हमारे फॉर्मर जो हमारे क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उनके द्वारा ये 1980 में स्टार्ट करा गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो हमारे क्या है तिलहन से निकलेंगे तेल, जिन सबसे तेल निकालते हैं उन सारे, सरसों हो गया हमारा, तिल हो गया, ठीक है, इन सारी चीजों को बढ़ावा देना था, इसलिए इसको येलो क्रांति, क्योंकि इन सबके फूल कैसे होते हैं येलो होते हैं, इसलिए इसको येलो रेवोल्यूशन के नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत में तेल्स की संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ताकि लोग तिलहन को उगाए और अपने लिए ऑयल बनाए, ताकि हमें मैन्युफैक्चर ना करना पड़े किसी और से, और हम क्या, ठीक है, खुद के लिए अपने लिए ऑयल को बना सके। तो ऑयल जो हमारा निकलता है वो हम देखते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है सोयाबीन होता है, मस्टर्ड होती है, तो ये सारी चीजों पर रेगुलेशन के लिए इसको येलो रेगुलेशन को स्टार्ट किया गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी के द्वारा 1980 में। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, आई विल प्रोवाइड अ पीडीएफ रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन योर क्लास ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।